हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो देखो, अभी एग्ज़ाम तुम लोगों का 3 महीने, 3.5 महीने अप्रोक्स 3 महीने ही मान के चलो जो बचे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हम पुराने सिलेबस से पढ़ें, नए सिलेबस से पढ़ें कि क्या करें। तो हम लोग आज उसी के बारे में A to Z बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को कवर करना है। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं तीनों का, ठीक है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो PCB तीनों का बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस है, क्या क्या यहाँ पे हमारी सबसे पहले कन्फ्यूजन्स आती हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज्ड क्या क्या चीज़ों को लेके लोग कन्फ्यूज्ड हैं। पहला जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं न्यू NCERT पढ़ें या फिर ओल्ड NCERT पढ़ें। सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ को ही लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पी ब्लॉक पढ़ना है, हाँ भाई पी ब्लॉक पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि NMC ने वो दिया हुआ है। न्यू प्लांट फैमिली देखो दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो उसको भी हमें पढ़ना ही है, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बट लास्ट में पढ़ेंगे। फ्रॉग को भी NMC ने इंक्लूड किया है, तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रॉग भी पढ़ के ही जाना है। एक्सपेरिमेंटल स्किल फिजिक्स, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इनको भी हमें करना है बट लास्ट में करना है, ठीक है। 90% हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, न्यू NCERT पे या फिर ओल्ड NCERT पे, ठीक है। तो हमें देखो, यदि तुम्हारे पास न्यू NCERT है तो अच्छी बात है, यदि न्यू NCERT नहीं है तो ओल्ड जो NCERT है उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दीजिए, बकाया आपकी वही NCERT से काम हो जाएगा। फालतू का पैसा यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है कि कोई भी नया NCERT खरीद रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। अब तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है, कौन कौन से एडिट किए गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चीज़ों को हटाया गया है, जैसे कि स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यूनिट मेजरमेंट में से लीस्ट काउंट को यहाँ पे ऐड किया गया है, और ये टॉपिक्स यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजर्स इंस्ट्रूमेंट, इनको हटा दिया गया। मोशन एंड स्ट्रेट लाइंस में किसी नई चीज़ को एडिट नहीं किया गया, बट इन टॉपिक्स को यहाँ पे हटाया गया है। मोशन एंड प्लेन्स के अंदर ना ही किसी चीज को एडिट किया गया, ना ही किसी चीज को डिलीट किया गया। लॉज ऑफ मोशन में एडिट कुछ भी चीज़ नहीं है, बट लुब्रिकेशन को यहाँ पे हटा दिया गया है। वर्क, पावर, एनर्जी, इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं हटाया गया है, सब पोर्शन को आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 that is 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अंडर रोटेशनल मोशन, जिसमें यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड किया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, और यहाँ पे मूवमेंट, कंजर्वेशन, सेंटर मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, इनको यहाँ से हटा दिया गया। ग्रेविटेशन में से यहाँ पे इन चीज़ों को एडिट किया गया, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो इन चीज़ों को यहाँ से हटाया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करें तो यहाँ पे देखो कई नई चीज़ों को ऐड किया गया है, और रेनॉल्ड नंबर को यहाँ से डिलीट कर दिया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो इन चीज़ों को यहाँ से डिलीट किया गया है, एडिट कोई भी चीज़ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर को इन्होंने डिलीट किया। काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, डेट इज ए RMS, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। ऑसिलेशंस में कुछ चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉप आउट किया गया है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट्स को यहाँ से इन्होंने हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिक्स 12th के बारे में। तो यहाँ पे भी देखो कुछ डिलीशन पोर्शन है, कुछ एडिट पोर्शन है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में ना किसी चीज़ को एडिट किया गया, ना ही किसी चीज़ को हटाया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिलीटेड किया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया गया है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया है। मोस्टली इसमें देखो यहाँ पे चीज़ों को डिलीट ही किया गया है, ठीक है। कुछ पोर्शंस को हटाया गया है, डायरेक्टली चैप्टर यहाँ पे नहीं हटे हुए हैं फिजिक्स में, ठीक है। एक चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 11th केमिस्ट्री का बात करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी पढ़ना है। तो इन चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ना है, जो डिलीट किया गया है डेट इज ए स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। थर्मोडाइनिक्स में से थर्ड लॉ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसको हटा दिया गया। इक्विलिब्रियम पढ़ना ही है यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना है, हाइड्रोजन भाई हट गया, ठीक है, एस ब्लॉक भी यहाँ पे हट गया है, पी ब्लॉक को पढ़ के जाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यहाँ पे इनने हटा दिया है। इसके बाद हम लोग क्लास 12th का बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट भाई हट गया है, सॉल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड टॉपिक्स है, जनरल प्रिंसिपल, मेटलर्जी भी हटा दिया, पी ब्लॉक पढ़ के जाना है अच्छे से, डी ब्लॉक भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और यहाँ पे ऑर्गेनिक में मोस्टली हम चीज़ों को पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ ईथर, इसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, मतलब मोस्टली ईथर्स को इन्होंने यहाँ से हटाया है। एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ के जाना है, एमाइंस में से साइनाइड आइसोसाइनाइड विल बी मेंशन एट रिलेवेंट प्लेसेस, डायजोनियम सॉल्ट को यहाँ से इन्होंने इसको हटा दिया। देखो पर ऑर्गेनिक में ये चीज़ें हाइड्रोकार्बन्स में भी दी हुई हैं, बहुत सारी चीज कहीं पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे तो इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है आपको, दोनों टॉपिक्स यहाँ से डिलीटेड हैं। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये नया चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद हम लोग बायो में आ जाते हैं, पहले बॉटनी पार्ट्स को देख लेते हैं। 11th का सेल पूरा पढ़ना है, सेल साइकिल भी पढ़ना है, लिविंग वर्ड्स में से कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिलीट किया गया है, पर मैं तो यही बोलूँगा कि पूरा पढ़ लो, छोटा सा चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे ये फैमिलीज ऐड की गई हैं, जिसका वीडियो भी मैं बना के डालूँगा, तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरा पढ़ना है, प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जाम्पल, इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हटा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन दोनों चैप्टर्स हटा दिए। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन भी पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म डिलीट कर दिया गया, नहीं पढ़ना है इसको। बॉटनी हम लोग बात करते हैं, बॉटनी में ये जो तुम्हारा है डेट इज ए बॉटनी 12th। तो अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिलीट कर दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ये मॉलिकुलर, ठीक है, ये सब पढ़ना है, स्ट्रेटेजीज को यहाँ से हटा दिया गया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, नीचे पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये चीज़ों को यहाँ से रिमूव आउट किया गया। इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल को हटा दिया, कार्बन फॉस्फोरस इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया, ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी में एक चीज को ऐड किया गया है, दैट इज ए सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है। तो ये था आपका अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग जूलॉजी के पार्ट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जूलॉजी में हमारे पास क्या आ जाता है, जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ लेना है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, ये हटा दिया गया है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और सभी चैप्टर्स यहाँ पे ह्यूमन फिजियो के हमें मोस्टली पढ़ने ही हैं। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन, आई वगैरह को हटा दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल किंगडम, तो ये सभी चीज़ों को पढ़ के यहाँ पे जाना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी, क्रॉप को ऐड किया गया है। 12th का हम लोग बात कर लें, तो इसमें से हमारे इसको हटा दिया गया है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सभी चैप्टर्स हमें यहाँ पे पढ़ के जाना है, इसको छोड़ देना, ये भी पढ़ना है, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखो अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड कोई भी हो, बस इस पीडीएफ को अपने पास रखो और याद रखो कि किन किन चीज़ों को हमें नोट आउट करना है, किसको हमें ड्रॉप आउट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ।